चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 10वीं की आर्थिक विकास की समझ के नाम से जो आपकी बुक्स है उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। इसमें हम लोग 3 चैप्टर आपके खत्म कर चुके हैं और आज हम लोग चौथा चैप्टर देखेंगे, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था को हम लोग जानेंगे। वही सामान्य जानकारी ही अगर आप स्टेट पीसीएस या फिर सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो आप समय रहते हुए इन सभी बुक्स को पढ़ लें, एनसीईआरटी को, और जो भी आपके लिए जरूरी है सिविल सर्विस के लिए मैंने सभी टेलीग्राम पर डाल दी है, ठीक है? तो आपको परेशान भी नहीं होना होगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग। और एक बात, आपके जितने भी क्लास हैं कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक की जितनी भी होंगी सभी एनसीईआरटी पूर्ण कवरेज के नाम से जो आपकी प्ले लिस्ट सूची है उसी में डली हुई है, ठीक है? आपको परेशान नहीं होना है। ये आपकी अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी की बुक्स है कक्षा 10वीं। कक्षा 10वीं की भी हम लोग 2 बुक्स पहले खत्म कर चुके हैं और कक्षा 6वीं से कक्षा 9वीं तक की पूरी बुक्स कंप्लीट कर चुके हैं। और याद रखिए, हम लोग 12वीं तक की सभी बुक्स कंप्लीट करेंगे, ठीक है? कुछ निर्देश दिए गए हैं, इसे पढ़ लेते हैं। और याद रखिए, मुझे नहीं लगता है कि आपका इसमें कोई भी ऐसा शब्द मिला हुआ आपको जो समझ में ना आए, क्योंकि एक कहानी का रूप देकर आपको हर शब्द की परिभाषा समझाई गई। अगर आप बड़े ध्यान से एक दो बार पढ़ते हैं तो आपके जो भी कॉन्सेप्ट की जरूरत है आपको वो सभी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? ना तो आपको किसी की मदद की जरूरत पड़ेगी और ना ही किसी के सहारे, ठीक है? विश्व के अधिकांश भाग तेजी से एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं। यद्यपि देश के बीच इस पारस्परिक जुड़ाव के अनेक आयाम है, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक, लेकिन इस अध्याय में अत्यंत सीमित अर्थ में वैश्वीकरण की चर्चा की गई है। इसमें वैश्वीकरण को बहुराष्ट्रीय कंपनियों को विदेश व्यापार, विदेशी निवेश के माध्यम से देशों के बीच एकीकरण के रूप में परिभाषित भी किया गया है। आप देखेंगे कि इस अध्याय में पोर्टफोलियो निवेश जैसी जटिल मुद्दों को छोड़ दिया गया है। यदि हम विगत 30 वर्षों पर नजर डालें तो पाते हैं कि विश्व के दूरस्थ भागों को जोड़ने वाली वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की मुख्य भूमिका रही है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पादन का दूसरे देशों में क्यों प्रसार कर रही हैं, किस तरह से कर रही हैं, अध्याय के पहले खंड में इसी की चर्चा की गई है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की तेज वृद्धि और उनके प्रभाव को मात्रात्मक आकलनों के बजाय मुख्यतः भारतीय संदर्भ से लिए गए उदाहरणों के द्वारा दिखाया गया है। ध्यान रखें कि उदाहरण सामान्य पक्ष की व्याख्या करने में सहायक है। पढ़ाते समय धारणाओं पर विशेष बल दिया जाना चाहिए और उदाहरणों का प्रयोग व्याख्या के लिए किया जाना चाहिए। आप जांच करने तथा नवीन अवधारणाओं को सुदृढ़ करने के लिए बोध गमन गम अनुच्छेदों जैसा कि अखंड 2 के अंत में दिया गया है का रचनात्मक उपयोग कर सकते हैं। आज आप देख रहे हैं कि एक विश्व, हमारा पूरी पृथ्वी पर जितने भी देश हैं, आपके जितने भी महाद्वीप हैं, सबको एक परिवार की तरह जोड़ दिया है वैश्वीकरण में। एक आप ग्रामीण क्षेत्र देखते हैं ना, गांव, उसकी तरह जोड़ दिया है आसपास। वैश्वीकरण की प्रक्रिया एवं इसके प्रभावों को समझने में उत्पादन का एकीकरण और बाजार का एकीकरण एक महत्वपूर्ण धारणा है। इस अध्याय में वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए इसकी विस्तार से चर्चा की गई। अगले विषय पर जाने से पहले आपको सुनिश्चित करना है कि छात्र इन विचारों को पर्याप्त स्पष्टता से आत्मसात कर ले। वैश्वीकरण को अनेक कारकों ने सुगमता प्रदान की है। इसमें से 3 कारकों पर बल दिया गया है, प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति यानी कि टेक्नोलॉजी, व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण और WTO। याद रखिए, इस तरह के जो भी अंतरराष्ट्रीय संगठन है मैं पूरी तरह से कवर कर चुका हूँ आपका सिविल सर्विस को ध्यान में रखते हुए, मतलब बड़े विस्तार से आपको समझाया गया है। और महत्वपूर्ण संगठनों के नाम से आपकी प्लेलिस्ट सूची बनी है, उसमें WTO हो गया, फिर चाहे WHO हो गया, UNESCO हो गया, इस तरह के जो भी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय हमारे संगठन है उन सबको पढ़ाया गया है वहाँ, ठीक है? वहां से जाकर देख सकते हैं। प्रौद्योगिकी में उन्नति छात्रों के लिए एक आकर्षक क्षेत्र है और आप उनको कुछ निर्देश देकर उन्हें स्वतः छानबीन करने के लिए प्रोत्साहन भी कर सकते हैं। उदारीकरण की चर्चा करते समय आपको ध्यान रखना है कि छात्र भारत की उदारीकरण पूर्व की अर्थव्यवस्था से अपरिचित है। उदारीकरण से पूर्व एवं पश्चात की स्थितियों में तुलना एवं विषमता दिखाने के लिए नाटक का आयोजन किया जा सकता है। इस प्रकार WTO के तहत होने वाली अंतर्राष्ट्रीय संधियों और शक्ति का असमान संतुलन रोचक विषय है जिसकी व्याख्या की बजाय चर्चा के रूप में प्रतिपादित किया जाता है। अंतिम खंड में वैश्वीकरण के प्रभाव को शामिल किया गया है।
विकास की क्रिया में वैश्वीकरण ने किस सीमा तक योगदान किया है? इस खंड में अध्याय एक और दो जैसे न्याय संगत विकास लक्ष्य क्या है कि विषय पर में भी ध्यान रखी गई जिसका आप संदर्भ दे सकते हैं। इस खंड की चर्चा करते समय स्थानीय पर्यावरण से क्रियाकलापों उदाहरणों को लेना भी अत्यंत आवश्यक है। इससे उन सभी उन संदर्भों को शामिल किया जा सकता है जिन्हें इस अध्याय में नहीं रखा गया, जैसे स्थानीय किसानों पर आयात का प्रभाव इत्यादि। ऐसी स्थितियों की विवेचना करने के लिए सामूहिक विचार मंथन सत्रों का आयोजन किया जाता है। आयात का मतलब ये बता रहा हूँ कि जैसे आपके यहाँ गेहूं हो रहा है, अगर आप दूसरे देशों से आयात करते हैं तो आपके यहाँ की जो किसान है उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर भी हम लोग बात कर लेंगे। और हम लोग ऐसे पढ़ेंगे इस बुक्स को जैसे हम लोगों ने कभी इसे पढ़ा ही ना हो। मतलब हम लोग भारी भरकम शब्दों का यूज करेंगे ही नहीं। अगर भारी भरकम शब्द दिए भी गए हैं तो हम लोग बड़े आराम से सरल शब्दों में बदलने की कोशिश करेंगे। और हम भी यही सोचेंगे कि हम बिल्कुल परिचित नहीं है इससे। एक मतलब बहुत छोटे लेवल से हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए आपको ना हमें पेपर तो देना नहीं है दसवीं के, तो हमें तो कॉम सेट अपने पकड़ना है। हमें आपको देखना है कि किस तरह से इसकी परिभाषा क्या होती है शब्द की, क्योंकि आज से आप कुछ समय बाद टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे आप लोग कि भारी भरकम आपको शब्द देखने को मिलेंगे। आखिर उनकी हमें परिभाषा यानी उनके बारे में पता तो होना चाहिए, तो उसी के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे। इस बुक्स में जो भी आपके स्रोत हैं उसमें आप देखेंगे अंतरराष्ट्रीय संगठन ने अपनी वेबसाइट www.ilo.org ऑर्गेनाइजेशन से और WTO से ये आपके आंकड़े लिए गए हैं विभिन्न कंपनियों से, ठीक है, जो भी इसमें समाहित किए गए। आंकड़े पुराने हो या नए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप लोग आर्थिक सर्वेक्षण आता है या फिर बजट आता है तब आप अपडेट हो जाते हैं। और वैसे भी आप सिविल सर्विस की तैयारी स्टेट PCS की तैयारी करते हैं तो वैसे भी आपको सलाह दी जाती है कि आप एक न्यूज़पेपर यानी कि करंट अफेयर्स से जुड़े रहें किसी भी तरह से आप लोग, ठीक है, तो आप तब भी अपडेट होते रहें। यह हमें समझने की केवल बेस बनाने की जरूरत है। चलते हम लोग तो मेन अध्याय की तरफ, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। आज के विश्व में उपभोक्ता के रूप में हम में से कुछ के सामने वस्तुओं सेवाओं के विस्तृत विकल्प है, यानी कि एक से अधिक विकल्प है। विश्व के शीर्षस्थ विनिर्माताओं द्वारा निर्मित डिजिटल कैमरे, मोबाइल फोन और टेलीविजन के नवीनतम मॉडल हमारे लिए सुलभ है। हमेशा भारत की सड़कों पर गाड़ियों के लिए के नए मॉडल देखे जा सकते हैं। बहुत दिन गुजर गए जब भारत की सड़कों पर केवल एम्बेसडर और फिएट कारें ही दिखाई देती थी। आज भारतीय विश्व की लगभग सभी शीर्ष कंपनियों द्वारा निर्मित कारें खरीद रहे हैं। अनेक दूसरी वस्तुओं के ब्रांड में भी इसी प्रकार की तीव्र वृद्धि देखी जा सकती है। कमीजों से लेकर टेलीविजनों और प्रसंस्कृत फलों के रस तक आपको बाजार में मिल रहे हैं। एक बात और याद रखिए, ये सभी वैश्वीकरण की ही परिणाम है कि हम आजकल हर उस कार से परिचित हो चुके हैं जो दुनिया में कोई भी कंपनी बना रही हो, कोई भी देश बना रहे हो, हम उसे खरीदने की क्षमता रखते हैं। वो हमारे तक पहुंचने की उसकी मतलब पहुंच भी सकती है, ठीक है, एक तरह से आपकी पहुंच बढ़ चुकी है। आप ना सोच सकते हैं कि आपके गांव में अगर एक ही दुकान हो तो आपको खरीदने के आपके पास ऑप्शन नहीं रहेंगे कि आज ये महंगी दे रहा है तो दूसरे के पास सस्ती देगा। लेकिन आज तुम देख सकते हो कि आपके मोहल्ले में ही 2 से 4 5 दुकानें खुल चुकी हैं। आप किसी से भी अपनी सहूलियत के हिसाब से कोई भी सामान ले सकते हैं। तो लगभग यही है आपका वैश्वीकरण कि हम विश्व से जुड़ चुके हैं इस तरह से। हमारे बाजार में वस्तुओं के बहुव्यापी विकल्प अपेक्षाकृत नवीन परिघटना है। 2 दशक पहले भी आपको भारत के बाजारों में वस्तुओं की ऐसी विविधता नहीं मिलेगी। कुछ ही वर्षों में हमारा बाजार पूर्णतः परिवर्तित हो गया है। इसका सीधा सा मतलब आप देखिए कि विकल्प मतलब आपके पास एक से ज्यादा विकल्प देखने को आप मिल रहे हैं। इससे पहले कुछ समय पहले आपके पास ज्यादा विकल्प नहीं हुआ करते थे। हम इस तीव्र परिवर्तन को कैसे समझ सकते हैं? ऐसे कौन से कारक हैं जो इन परिवर्तनों को ला रहे हैं और ये परिवर्तन लोगों का जीवन किस प्रकार परिभाषित कर रहे हैं? इस अध्याय में हम इन प्रश्नों पर विचार भी करेंगे। एक समय आपने देखा होगा कि हमारे पास फोन भी हुआ करता था, तो नोकिया इस तरह के कोई सीमित फोन थे हमारे पास कि इन कंपनी के खरीद सकते हैं, इस तरह के खरीद सकते हैं। लेकिन आज आप देख रहे होंगे तरह तरह की कंपनियां आ चुकी हैं, तरह तरह के फोन आ चुके हैं। कहीं सैमसंग अगर 20,000 में दे रहा है तो उसी जैसा फोन चाइनीज कोई कंपनी आपकी 10,000 में दे रही है, पर और भी सस्ते फोन मिल रहे हैं। मतलब हर तरह से फोन आपको 4-5 हजार से लगाकर 10-50 लाख
जितने आगे बढ़ते जाओ आपकी क्षमता है उतने महंगे फोन आपको मिल रहे हैं। यानी कि हमारी जो भी इसका एक बहुत बड़ा फायदा यही है कि डिजिटल इंडिया अगर बनाना है, डिजिटल भारत, तो सबके पास फोन की जरूरत है और चाइनीज कंपनियों ने काफी योगदान भी दिया इसमें। वरना आप अपने देश में अगर उत्पादन करते इसका तो एक बहुत लंबा टाइम लगता है। और आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में क्या हालत है मोबाइल कंपनियों की। अभी भी आपके देश में अगर 5 फोन बिक रहे हैं तो उसमें से 4 फोन आपके चाइनीज कंपनियों के, तो समझ सकते हैं कि चाइनीज कंपनी कितना हमारे ऊपर दबदबा बनाए हुए। अभी भी हम लोग आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। आत्मनिर्भर तभी हो सकते हैं, आप सोचिए, जब हमारे देश में खुद हम उत्पादन करने लगे इतना कि हमारा मतलब काम चलता रहे। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि 70-80% हम दूसरे देशों पर निर्यात पर निर्भर है, फिर कहां से हम लोग आत्मनिर्भर हो सके। इसके लिए हमें शिक्षा पर बहुत जोर देना होगा। अभी आपकी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई हुई है, उसे बता चुका हूं, बहुत विस्तार से हम लोग बात कर चुके हैं, उसे आप लोग देख लें। अब बात करते हैं अंतरदेशीय उत्पादन। 20वीं शताब्दी के मध्य तक उत्पादन मुख्यतः देशों की सीमाओं के अंदर ही सीमित था। इन देशों की सीमाओं को लांघने वाली वस्तुओं में केवल कच्चा माल, खाद्य पदार्थ, तैयार उत्पाद ही थे। भारत जैसे उपनिवेशों से कच्चा माल एवं खाद्य पदार्थ निर्यात होते थे और तैयार वस्तुओं का आयात होता था। व्यापार की दूरस्थ देशों को आपस में जोड़ने की मुख्य जरिया था। या बड़ी कंपनियां, जिन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं हम लोग, वे के परिदृश्य पर उभरने से पहले का युग था। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन विदेशों में कार्यालय और उत्पादन के लिए कारखाने स्थापित करती है जहां उन्हें सस्ता श्रम और अन्य संसाधन मिल सकते हैं। उत्पादन लागत में कमी करने तथा अधिक लाभ कमाने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसा करती हैं। निम्न उदाहरण पर विचार करें। इससे पहले हम लोग आपको बता दें कि आपको पता होगा कि अधिकतर कंपनियां चाइनीज जाती हैं, क्योंकि चाइना में जनसंख्या भी अधिक है और सस्ता श्रम भी है और वहां व्यवस्था भी पूरी कंपनी, मतलब एक कंपनी को, यानी कि कोई भी व्यापारी आप देख लीजिए, वो कहीं दूसरी जगह निवेश क्यों करेगा अगर वहां की कानून व्यवस्था ठीक हो, वहां की उसे सभी सुविधाएं, सभी तरह की सुविधाएं मिले, उसे जो भी श्रम है सस्ता मिले। वहीं अधिकतर कंपनियां आपकी जाती हैं। तो हमारे भारत में श्रम की सस्ता श्रम काफी है, लेकिन हमारे यहाँ के कानून व्यवस्था में बड़ा विचित्र तरीके से देखा गया, यानी कि व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त थी। इसी तरह हम देखते हैं कि अधिकतर कंपनियां भारत आने की वजह चाइनीज चली जाती हैं। और चाइनीज में आप समझिए कि अगर सस्ता श्रम मिल रहा है, सस्ता कच्चा माल मिल रहा है, तो आप सोचिए जब सस्ता, मतलब उत्पादन करने में सस्ता ही मेहनत, सस्ता ही पैसा, मतलब कम ही पैसा लगेगा, तो वो इसीलिए सस्ता बेचती हैं। मतलब आप सोचिए कम ही, मतलब उत्पादन कर रहे हैं उसमें कम खर्च आ रहा है तो आप कम ही पर बेचेंगे। अगर आप सोचिए कि आपको उत्पादन में ज्यादा खर्च आएगा तो आप घाटे में तो बेचेंगे नहीं, लाभ में ही बेचेंगे। तो इसीलिए देखा है कि हमारे यहाँ जो भी उत्पादन होता है वो महंगा रहता है, क्योंकि हमारे यहाँ कई तरह के, आपने देखा है, कानून व्यवस्था में भी हेर फेर रहता है। यूपी, आप समझिए कि यूपी में कोई कमी नहीं है, यूपी में आप देख सकते हैं पानी की पूरी सुविधा है हर तरह से, लेकिन वहाँ कानून व्यवस्था की ये हाल था कि कोई अगर निवेशक आए भी तो उसका अपहरण कर लिया जाता था, उसे डराया धमकाया जाता था। तो आप समझिए कौन जाएगा वहां। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा उत्पादन का विस्तार। औद्योगिक उपकरण बनाने वाली एक बहुराष्ट्रीय कंपनी संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुसंधान केंद्र में अपने उत्पादों का डिजाइन तैयार करती है। उसके पुर्जे चीन में विनिर्मित होते हैं, फिर इन्हें जहाज में लादकर मेक्सिको और पूर्वी यूरोप ले जाया जाता है, जहां उपकरणों के पुर्जों को जोड़ा जाता है, तैयार उत्पाद को विश्व भर में भेजा जाता है। इस बीच कंपनी की ग्राहक सेवा का भारत स्थित कॉल सेंटरों के माध्यम से संचालन किया जाता है। ये आपकी बेंगलोर स्थित एक कॉल सेंटर है जो पर्याप्त दूरसंचार सुविधाओं और इंटरनेट से सुसज्जित है। यह विदेशी ग्राहकों को सूचना और मदद उपलब्ध कराता है। यहाँ आप लोगों को एक बात और बताएं, देखिए कोई भी, आप सोचे कि आपने अभी सुना होगा कि बॉयकॉट चाइना सामान, तो मुझे लगता है, पता है, कोई भी कार हो, महंगी कार हो या फिर सस्ती कार हो, उनमें चाइनीज का पार्ट शामिल किया जाता है। अब आप सोचिए कि टायर कहीं बन रहे हैं किसी और देश में, और अमेरिका जैसे विकसित जो भी देश हैं, ये क्या करते हैं कि अपने यहाँ मेन, मतलब कार, एक कार को ले लीजिए या फिर आप फोन को ले सकते हैं, तो फोन मेन फोन ये जोड़ देंगे पूरा, जो भी
इसमें पार्ट लगेंगे, वो अन्य अन्य कंपनियों में बनाने के लिए काम दे दिया जाएगा, बैटरी के लिए अलग, साउंड के लिए अलग, इस तरह की बॉडी उसके लिए अलग। और ये क्या करेंगे, उससे आयात करके फिर उन देशों से, और अपने यहाँ सिर्फ उसे जोड़कर रख देंगे। तो आप समझिए कि फायदा सबसे ज्यादा किन्हें होगा, हमें ऐसे ही देशों को जो वो लास्ट में वो पूरी तरह से तैयार करके दे रहे हैं। तो इसमें कोई सामान आपका चाइना का होता है, कोई आपका ब्राजील, इस तरह से कई देशों से जुड़ा रहता है। इस उदाहरण में बहुराष्ट्रीय कंपनी केवल वैश्विक स्तर पर ही अपना तैयार उत्पाद नहीं बेच रही है, बल्कि अधिक महत्वपूर्ण यह है कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन विश्व स्तर पर कर रही है। परिणामतः उत्पादन प्रक्रिया के अनुसार जटिल ढंग से संगठित हुई है। उत्पादन प्रक्रिया छोटे भागों में विभाजित है और विश्व भर में फैली हुई है। ऊपर दिए गए उदाहरण में चीन एक सस्ता विनिर्माण केंद्र होने का लाभ प्रदान करता है। मैक्सिको और पूर्वी यूरोप, अमेरिका और यूरोप के बाजारों से अपनी निकटता के कारण लाभप्रद है। भारत में अत्यंत कुशल इंजीनियर उपलब्ध हैं जो उत्पादन के तकनीकी पक्षों को समझ सकते हैं। यहाँ अंग्रेजी बोलने वाले शिक्षित युवक भी हैं जो ग्राहक देखभाल सेवाएं उपलब्ध करा सकते हैं। ये सभी चीजें बहुराष्ट्रीय कंपनी की लागत का लगभग 50 से 60% बचत कर सकती है। अतः वास्तव में सीमाओं के पार बहुराष्ट्रीय उत्पादन प्रक्रिया के प्रसार से असीमित लाभ हो सकता है आपका। वो तो वही हाल है कि आप समझिए कि आपके यहाँ खेत है, जिस खेत में आपको लगेगा कि फसल इसमें कम खर्च आएगा और अधिक फसल होगी, उसी खेत में आप उसी हिसाब से फसल बोते हैं, समझ रहे हैं? तो वही हाल इनका कंपनियों का रहता है। इन्हें लगेगा कि चाइना में टायर बनाने में सस्ता श्रम लगेगा और सस्ते पड़ेंगे, तो भी वहां टायर बनाने लगेंगे। उन्हें भारत में रहेगा कि चलिए इसका कोई टेस्ट रैंक ही ले लीजिए, टेस्ट रैंक बनाने में भारत में कम खर्च आएगा, तो वो भारत में बनाएंगे, उसे फिर निर्यात करेंगे अपनी जिस भी इकाई में करें, वहां जोड़कर आपको बेच देंगे। आओ इस पर विचार भी करते हैं हम लोग। यह दर्शाने के लिए निम्न कथन की पूर्ति करें कि वस्त्र उद्योग में उत्पादन प्रक्रिया कैसे विश्व भर में फैली हुई है। एक ब्रांड लेवल पर मेड मेड इन थाईलैंड लिखा है, परंतु उसमें एक भी थाई उत्पाद नहीं है। हम विनिर्माण प्रक्रिया का विश्लेषण करते हैं और प्रत्येक चरण में सर्वोत्तम निर्माण को देखते हैं। हम इसे विश्व स्तर पर कर रहे हैं, जैसे वस्त्र निर्माण में कंपनी कोरिया से सूत ले सकती है। और पता है आपको एक क्या होता था कि आपके देश में भी देखा होगा आपने, एक समय था कि हमारे देश के जो भी सूती कपड़े हुए करते थे, कपासी, उन सभी की मांग इतनी थी बाकी देशों में कि वहां के महाराजा राजा यानी कि बड़े बड़े लोग पहनते थे। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि हमारे यहाँ से कच्चा माल निर्यात कर रहे हैं, ठीक है, सूती हमारा कपड़ा हमारे यहाँ से निर्यात कर रहे हैं। उस पर आपने देखा होगा कि फिर चलिए थाईलैंड में जाता है, थाईलैंड में क्या करेगा, अपनी मतलब अपना ऊपर उत्पादन करके उसमें सुधार करके उसे वस्त्र में बदल के अपने यहाँ का एक सील मतलब कह दीजिए कि लेबल लगा देगा मेड इन थाईलैंड। तो आप समझिए कि उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन उसने अपना इसे मेड इन थाईलैंड बना दिया। इसी तरह जापान को देख सकते हैं आप लोग, जापान जापान के पास इतनी सुविधा नहीं है कि लोहा हो, कच्चा माल, इस तरह के खनिज कच्चे पदार्थ हो, नहीं, लेकिन वो क्या करता है कि आयात करता है लोहे का और अन्य चीजों का, और वो क्या करता है उसे मतलब तकनीक द्वारा कई चीजों में बदल के वापसी भारत में निर्यात करता है। तो उस पर क्या थप्पा लगा होगा, जो लेवल क्या लगा होगा, मेड इन जापान, समझ रहे हैं? ऐसे ही चाइना का हाल है, चाइना कई देशों से कच्चा माल आयात करता है, उसके बाद बना के क्या लिख देता है उस पर, मेड इन चाइना। तो ये हाल है। अब बात करते हैं हम विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना। सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती है जो बाजार के नजदीक हो, जहां कम लागत पर कुशल और अकुशल श्रमिक उपलब्ध हो, जहां उत्पादन के अन्य कारक की उपलब्धता सुनिश्चित हो। साथ ही बहुराष्ट्रीय कंपनियां सरकारी नीतियों पर भी नजर रखती हैं जो उनके हितों का देखभाल करती हैं। और आप बाद में इस अध्याय में सरकारी नीतियों के बारे में और अध्ययन करेंगे। एक बात और हमेशा याद रखिए, ये भी आपका सरकारी जो भी नीतियां सरकार बनाती है उस पर भी इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों की नजर बहुत रहती है। अब आप सोचिए कि आपके देश की अगर स्थिति यानी कि छवि बहुत खराब है और आपके यहाँ की जो भी नीतियां बनती हैं अगर उनकी नकारात्मक तो उनके प्रति ज्यादा दिखाई जाती है, तो आपके यहाँ आने में बहुराष्ट्रीय कंपनियां डरेंगी, ठीक है। एक आपने सुना होगा पर्यटन उद्योग, हमारे देश में काफी हिस्सा अर्थव्यवस्था में भी पर्यटन उद्योग देता है। पर्यटन उद्योग को बढ़ावा कैसे मिलता है,
आज देख रहे हैं हम लोग सोशल मीडिया के जरिए हम लोग देश विदेश हर किसी से जुड़े हुए हैं। अगर हमारे देश में पर्यटकों को लेकर बड़ी नकारात्मक जानकारी दी जाए कि इनके साथ ऐसा होता है, इन्हें इतनी परेशानी उठानी पड़ती है, लूटपोट होती है, तो आप सोचिए कोई हमारे देश में पर्यटन के लिए, घूमने के लिए नहीं आएगा। और अधिकतर जो भी पर्यटक आते हैं वो इन्हीं सोशल मीडिया के जरिए पहले सर्च करते हैं कि किस देश में क्या स्थिति है, क्या क्या घूमने के लिए और क्या वहां जाने में सुविधा है, उन्हें उसी हिसाब से जाते हैं। तो सरकारी नीतियों का भी कंपनियों पर प्रभाव देखा जाता है। इन परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के बाद कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन के लिए कार्यालयों और कारखानों की स्थापना करती हैं, परिसंपत्ति जैसे भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को निवेश कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। कोई भी निवेश इस आशा से किया जाता है कि ये सब परिसंपत्तियां लाभ अर्जित करेंगी। तो याद रखिए कोई भी कंपनी आ रही तो एक दिन का तो उसका काम नहीं है, उसे सालों यहाँ रुकना है। तो उसी हिसाब से देखती है कि कहाँ सुविधा में होगी। चाइना में सुविधा अच्छी होगी, भारत में सुविधा होगी, वियतनाम में सुविधा अच्छी होगी, आप देख रहे होंगे, ठीक है। और हर कंपनी का याद रखिए जो भी प्राइवेट कंपनी है वो क्या चाहती है, लाभ कमाना। उसे कोई मतलब नहीं है कि आपका समाज कल्याण, कि आपके देश में आकर आपका समाज का जो भी तबका है उसका कल्याण करना, नहीं, उसे लाभ से मतलब रहता है, ठीक है। कभी कभी बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करती हैं। या आपने सुना होगा कि कई बार सुन लेते हैं कि रिलायंस में इतना प्रतिशत दूसरी विदेशी कंपनी ने हिस्सा ले लिया, इतना ले लिया, समझ रहे हैं, इसी की आइडिया वोडाफोन की मिली भगत सुनते रहते हैं आप लोग, सुनने को आता रहता है, यही है। संयुक्त उत्पादन से स्थानीय कंपनी को दोहरा लाभ होता है। पहला, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अतिरिक्त निवेश के लिए धन प्रदान कर सकती हैं, जैसे कि तीव्र उत्पादन के लिए मशीनें खरीदने के लिए। दूसरा, बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन की नवीनतम प्रौद्योगिकी अपने साथ ला सकती हैं, यानी कि आप समझते हैं कि हमारे यहाँ जो भी स्थानीय कंपनी है उनके पास नवीन प्रौद्योगिकी की कमी रहती है, इसलिए जो भी बड़ी कंपनियां आती हैं वो अपने साथ तकनीक भी लाती हैं। बेहतर माहौल, आधुनिक मजदूर, हम इस कारखाने को दूसरे देश में स्थानांतरित कर देंगे, यहाँ यह खर्चीला हो गया है, समझ रहे हैं, ये आपका निवेशक है। आप सोचिए क्या सोचते हैं कि बढ़िया सुविधा हो और कम से कम इन्हें श्रमिक, कम से कम मतलब सस्ता श्रमिक मिले, सस्ती जगह मिले, सस्ता यहाँ जो भी धंधा इन्हें रोकना है, कंपनी का बनाना है, उसके रख रखाव में कम खर्चा है, उतना ही इन्हें लाभ होगा, ठीक है। लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश का सबसे आम रास्ता स्थानीय कंपनियों को खरीदना है, यानी कि आपकी जो भी घरेलू कंपनियां होती हैं उस उनको खरीदना है, उसके बाद उत्पादन का प्रसार करना है। अपार संपदा वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियां यह आसानी से कर सकती हैं। उदाहरण के लिए एक बहुत बड़ी अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी है कारगिल फूड्स ने परक फूड्स और जैसी छोटी भारतीय कंपनियों को खरीद लिया। परक फूड्स ने भारत के विभिन्न भागों में एक बड़ा विपणन तंत्र तैयार किया था जहां उसके ब्रांड काफी प्रसिद्ध थे। परक फूड्स के चार तेल शोधक केंद्र भी है थे जिस पर अब कारगिल का नियंत्रण हो गया है। अब कारगिल 50 लाख पैकेट प्रतिदिन निर्माण क्षमता के साथ भारत में खाद्य तेलों की सबसे बड़ी उत्पादक कंपनी है। एक और बता दूंगा आपको कि कोई भी कंपनी, विदेशी कंपनी अगर हमारे देश की स्थानीय कंपनी को खरीदे तो विदेशी कंपनियों को भी फायदा होता है, क्योंकि आप समझिए कि एक सेटअप लगा लगाया मिल जाता है, समझ रहे हैं आप लोग। अब वरना आप अगर कंपनी बना रहे हैं तो उसमें आपको देखना, मजदूर देखना पड़ेगी, सबसे पहले आपको जनता तक पहुंच बनानी होगी कि आपके जो भी उत्पादन हो रहा है उसका मतलब उसके उपभोक्ता तो रहे, समझ रहे हैं। तो ये कंपनी देख रहे हैं आप लोग, इन पैंट देख रहे होंगे आप लोग, आप सोचिए कि नहीं, मतलब कच्चा माल दूसरे देशों से आयात किया जा रहा है और लेकिन इन पर जो भी लेबल लगा दिया जाता है उसी देश का रहता है जहां ये फाइनल बनकर तैयार होते हैं। वास्तव में कई शीर्षस्थ बहुराष्ट्रीय कंपनियां की संपत्ति विकासशील देशों की सरकारों की संपूर्ण बजट से भी अधिक होती है। ऐसी अपार संपत्ति वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों की शक्ति और प्रभाव पर विचार करें। सीधा सा कहने का मतलब ये है कि आप सोचिए कि कई ऐसे विकासशील देश हैं जिनसे जिनका जो बजट है साल भर का उससे ज्यादा उनकी आय अपार संपत्ति है। कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसी भी हैं, समझ रहे हैं, एक कंपनी की आय उतनी है कि जितना मतलब एक विकासशील देश की संपूर्ण पूरा बजट होता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक अन्य तरीके से उत्पादन नियंत्रित करती हैं। विकसित देशों की बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादों को उत्पादन का ऑर्डर देती हैं।
वस्त्र जूते चप्पल खेल के सामान ऐसे उद्योग हैं जहां विश्वभर में बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों द्वारा उत्पादन किया जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को इन उत्पादों की आपूर्ति की जाती है। ट्रेनें अपने ब्रांड नाम से ग्राहकों को बेचती है। इन बड़ी कंपनियों में दूरस्थ उत्पादकों के मूल गुणवत्ता आपूर्ति श्रम शर्तों का निर्धारण करने की प्रचंड क्षमता होती है। लुधियाना के एक घर में एक बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए फुटबॉल निर्माण का चित्र। एक बात आप लोगों को और बताऊं, ये आपका विकासशील देशों में उत्पादित जींस अमेरिका में 6500 रुपए में बेची जा रही है। आप लोगों ने देखा होगा कि मान लीजिए आपका सैमसंग है या कोई भी और फोन है, आप सोचिए कि ये आपका दक्षिण कोरिया का है सैमसंग है। मैं अगर गलत नहीं हूं तो सही बता रहा हूं, अगर गलत हो तो नीचे लिख सकते हैं आप लोग। मेरा मुझे लगता है आपका सैमसंग दक्षिण कोरिया का ही है। आपको याद होना चाहिए कि उसमें ऐसा नहीं है कि कई सॉफ्टवेयर आपके दूसरे देशों से लिए जाते हैं, कई हार्डवेयर भी उसमें आपके दूसरे देशों से लगाया जाता है, लेकिन फाइनल नाम किसका दे दिया गया? साउथ कोरिया का। समझ रहे हैं? तो ये हाल है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां कई तरह से अपने उत्पादन कार्य का प्रसार कर रही है और विश्व के कई देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ पारस्परिक संबंध स्थापित कर रही है। स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी द्वारा आपूर्ति के लिए स्थानीय कंपनियों का इस्तेमाल करके और स्थानीय कंपनियों से निकट प्रतिस्पर्धा करके उन्हें खरीद कर बहुराष्ट्रीय कंपनियां दूरस्थ स्थानों से उत्पादन पर अपना प्रभाव जमा रही है। परिणामतः दूर दूर स्थानों पर फैला उत्पादन परस्पर संबंधित हो रहा है। आओ इन पर विचार करते हैं। एक अमेरिकी कंपनी फोर्ड मोटर्स विश्व के 26 देशों में प्रसार के साथ विश्व की सबसे बड़ी मोटर गाड़ी निर्माता कंपनी है। फोर्ड मोटर्स 1995 में भारत आई और चेन्नई के निकट 1700 करोड़ रुपए का निवेश करके एक विशाल संयंत्र यानी कि विशाल एक संयंत्र की स्थापना की। यह संयंत्र भारत में जीपों एवं ट्रकों में प्रमुख निर्माता महिंद्रा एंड महिंद्रा के सहयोग से स्थापित किया गया। सन 2017 तक फोर्ड मोटर्स भारतीय बाजारों में 88,000 कारें बेच रही थी, जबकि 1,81,000 कारों का निर्यात भी भारत से दक्षिण अफ्रीका, मैक्सिको, ब्राजील, संयुक्त राज्य अमेरिका किया। कंपनी विश्व के दूसरे देशों में अपने संयंत्रों के लिए फोर्ड इंडिया का विकास ऊर्जा आपूर्ति केंद्र के रूप में करना चाहती है। आप सोचिए कि आपके यहाँ तो जो भी कंपनी होती है वो हमारे यहाँ तो बेचती है, साथ में दूसरे देशों को निर्यात भी करती है आपकी। इस तरह से आप भी देखते रहते हैं कि जा रही है। अब बात करते हैं हम लोग विदेश व्यापार और बाजारों का एकीकरण। लंबे समय से विदेश व्यापार विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य माध्यम रहा है। इतिहास में आपने भारत और दक्षिण एशिया को पूर्व और पश्चिम के बाजारों से जोड़ने वाले व्यापार मार्गों और मार्गों से होने वाले गहन व्यापार के बारे में पढ़ा होगा। आपको यह भी याद होगा कि व्यापारिक हितों के कारण ही व्यापारिक कंपनियां जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की ओर आकर्षित हुई। आखिरकार विदेशी व्यापार का बुनियादी कार्य क्या है? अगर हम लोग सरल शब्दों में कहें तो विदेश व्यापार घरेलू बाजारों अर्थात अपने देश के बाजारों से बाहर के बाजारों में पहुंच के लिए उत्पादकों को एक अवसर प्रदान करता है। उत्पादक केवल अपने देश के बाजारों में ही अपने उत्पाद नहीं बेच सकते बल्कि विश्व के अन्य देशों के बाजारों में भी प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। इसी प्रकार दूसरे देशों में उत्पादित वस्तुओं के आयात से खरीदारों के समक्ष उन वस्तुओं के घरेलू उत्पादन के अन्य विकल्प का विस्तार होता है। आप लोगों को आश्चर्य नहीं है, ये आपका प्राचीन भारत से ही आप देखते हैं कि आपके देशों पोटामिया आपने सुना होगा, ईरान में देश था एक, वहां भी आपने कई मिस्र की सभ्यता सुनी होगी, नील नदी की। इनसे हमारा व्यापार आज का नहीं है, पहले भी इस तरह के व्यापार देखे जाते थे। हड़प्पा सभ्यता से ही आपके विदेशी व्यापार चालू हो चुके थे अन्य देशों से। और सबसे बड़ी बात तो आप सोचिए कि मसाला आपके यहाँ का इतना फेमस था, कपड़े आपके इतने फेमस थे कि जो भी आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसी के चक्कर में आई थी भारत व्यापार करने के लिए, लेकिन उसने बाद में देखा कि यहाँ व्यापार करने में जितना फायदा नहीं है जितना राज करने में, और राज करने में भी इसे कोई परेशानी नहीं है, तो इसने क्या किया कि यहाँ हमारे ऊपर कब्जा कर लिया और राज करना शुरू कर दिया, क्योंकि हम लोग बहुत कई भागों में बटे हुए थे, आसानी से इन्होंने कब्जा कर लिया। गिफ्ट टॉयज देखते रहते हैं आप लोग। अब हम भारत के बाजार पर चीनी खिलौनों के प्रभाव के उदाहरण के द्वारा विदेश व्यापार के प्रभाव का अध्ययन करते हैं।
ये भी आपको कई तरह के चीनी सामान भी आपको देखने को मिल जाएंगे बाजारों में आपके, बहुत ही सस्ते हैं। और अधिकतर मुझे लगता है कि हमारे यहाँ के लोग चाइनीज सामानों पर ही निर्भर रहते हैं, क्योंकि आप सोचिए कि एक महंगा, मतलब आपके यहाँ जो भी उत्पादन होता है वो बहुत महंगा रहता है, या अन्य देशों से आप मंगाते हैं बहुत महंगा रहता है, और चाइनीज कंपनियों के जो भी सामान रहते हैं वो बहुत सस्ते रहते हैं। इसलिए हर किसी की, हर कोई देखिए यही सस्ता खरीदना चाहे। और आप भी देखते हैं हमारे देश में एक बड़ी, बहुत बड़ी संख्या, जनसंख्या ऐसी है जिसके पास आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, तो उसके पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो देशभक्ति दिखाकर और अपनी ही कंपनियों का सामान खरीदे। अब मोबाइल का ही ले लीजिए, आपके यहाँ अगर कोई रिलायंस का फोन बन रहा है वो 10,000 का होगा, चाइनीज कंपनी का वही फीचर्स लेकर 4 से 5 हजार का होगा, कौन खरीदेगा? चाइनीज कंपनी का खरीदेगा, समझ रहे हैं? या तो आप अपने देश में इतने सस्ते फोन उपलब्ध करवा दीजिए कि वो देशभक्ति दिखाने के लायक रहे। भारत में अगर चीन के खिलौने की हम लोग बात करें तो चीन के विनिर्माताओं को भारत में खिलौने निर्यात करने को एक अवसर का पता चलता है, जहाँ खिलौने अधिक मूल्य पर बेचे जा रहे हैं, वे भारत को खिलौने निर्यात करना आरंभ करते हैं। अब भारत में खरीदारों के पास भारतीय और चीनी खिलौनों के बीच चयन करने का विकल्प है। सस्ते दाम एवं नवीन डिजाइनों के कारण चीनी खिलौने भारतीय बाजारों में अधिक लोकप्रिय है। एक बरस में ही खिलौनों की 70 से 80% दुकानों में भारतीय खिलौना का स्थान चीनी खिलौनों ने ले लिया है। आप समझ रहे हैं कि 100% में से आपके 70 से 80% चीनी सामानों का खिलौना का हो गया, यही हर क्षेत्र में देखा जा रहा है। तो आप समझिए कि हम आत्मनिर्भर कैसे हो सकते हैं, जब एकाएक तो देखिए किसी भी, आज तक आप लोग जो भावनाओं में बहकर बॉयकॉट चाइना की बात करते रहते हैं, ये आज तक किसी भी देश ने इस तरह की मतलब सफलता नहीं पाई है कि आपके बॉयकॉट करने से, 2 दिन बॉयकॉट करने से चाइना को फर्क पड़ेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं फर्क पड़ता है। आपसे पहले भी अमेरिका को मालूम होना चाहिए, अमेरिका अफगानिस्तान के विरोध भी कर चुका है, ईरान के भी विरोध भी इस तरह के काम कर चुका है, जापान के विरोध भी इस तरह के काम कर चुका है, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है ज्यादा, ठीक है। और आप सोचिए कि आप मतलब 70% 80% आप रोक भी देते हैं, तो सबसे पहले आपको दूसरा विकल्प तो देखना चाहिए। आपके यहाँ अगर 70% चाइना की जो भी वस्तुएं बिक रही हैं, तो उसके पास विकल्प तो होना चाहिए आपके यहाँ की जो भी उपभोग करने वाले हैं कि वो चाइनीज कंपनियों को ना खरीद कर किस कंपनी का खरीदे। तो आप हाथ खड़े कर देंगे कि हमारे पास कोई भी नहीं है दूसरा सामान, तो इसके लिए भी उपाय होना चाहिए, तभी बॉयकॉट सफल होता है, ठीक है। अब भारत के बाजारों में खिलौने पहले ही की तुलना में सस्ते हैं। यहाँ क्या हो रहा है, व्यापार के कारण चीनी खिलौने भारत के बाजार में आए हैं। भारतीय और चीनी खिलौनों की प्रतिस्पर्धा में चीनी खिलौने बेहतर साबित हुए हैं। भारतीय खरीदारों के समक्ष कम कीमत पर खिलौने को की अपेक्षा अधिक विकल्प है। इससे चीन के खिलौने निर्यातों को अपना व्यवसाय फैलाने के लिए एक अवसर प्राप्त होता है। इसके विपरीत भारतीय खिलौना कंपनी निर्माताओं को हानि होती है, क्योंकि उनके खिलौने कम बिकते हैं। और याद रखिए, आपकी जो भी डिजिटल इंडिया की बात कर रहा हूँ, जो हमारी नई गवर्नमेंट आई हुई है 2014 के बाद, ये कुछ ज्यादा ही डिजिटल इंडिया पर केंद्रित है। तो आप सोचिए कि डिजिटल इंडिया को साक्षर, मतलब हम लोग कोई भी डिजिटल अर्थव्यवस्था हो गई या फिर कोई भी आपकी बात हो, इसे सफल तभी बना सकते हैं जब हमारे सभी देश के सभी जो भी यहाँ के रहने वाले हैं उनके पास फोन की सुविधा हो, उनके पास नेट की सुविधा हो, इंटरनेट की सुविधा हो, बेहद बेहतर मतलब कनेक्टिविटी सुविधा हो, आप सोचिए। लेकिन चाइनीज कंपनी के जो भी फोन रहे हैं तो काफी हद तक हमारे देश के लोगों ने खरीदने की हिम्मत रख पाए। और आप सोचिए, आपके देश में अगर पूरी तरह से वैश्वीकरण ना होता और एक जगह से दूसरी जगह इस तरह के मोबाइल ना जा पाते, तो आप सोचिए एक बड़ी जनसंख्या हमारे देश में मोबाइलों से उनकी दूरी, बहुत दूरी बनी होती है उनके बीच। सामान्यतः व्यापार के खुलने से वस्तुओं का एक बाजार से दूसरे बाजार में आवागमन होता है, बाजार में वस्तुओं का विकल्प बढ़ जाते हैं, दो बाजारों में एक ही वस्तु का मूल्य एक समान होने लगता है। अब दो देशों के उत्पादक एक दूसरे से हजारों मील दूर होकर भी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। इस प्रकार विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या फिर एकीकरण में सहायक होता है। सीधा सा कहने का मतलब यह है कि आपने देखा होगा कि एक समय आपके गाँव का ही देख लीजिए कि आप लोग कोई भी सामान खरीदना होता था तो गिनी चुनी दुकानें हुआ करती थी, उन्हीं से आपको सामान खरीदना होता था, वो भी मनमाने, आपके मनमाने तरीके से पैसा भी वसूलते थे। लेकिन अब आपके पास कई तरह के ऑप्शन हो चुके हैं, समझ रहे हैं? तो अब आपको सस्ता भी मिलता है और बेहतर क्वालिटी भी आप ले सकते हैं, ठीक है।
सिले सिलाए वस्त्रों की छोटे व्यापारी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के ब्रांड और आयात दोनों से कड़ी प्रतिस्पर्धा करना का सामना करते हुए। एक और आप याद रखिए, जो सिले सिलाए कपड़े होते हैं वस्त्र या फिर हमारे यहाँ के जो भी बुनकर बनाते हैं, वो इसी कारण तो पिछड़ गए हैं। आप सोचिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, वो एक सेट हमारे यहाँ जो भी बुनकर बनाएगा अपने हाथों से सिलेगा, एक दिन में हो सकता है वो 2 सेट सिल ले। वहीं आपका 10 से 15-20 मिनट में आपका बहुराष्ट्रीय कंपनी होगी, उसमें टेक्नोलॉजी इतनी उन्नत है कि वो 1 घंटे में आपकी 1000 सेटें बना सकती है, समझ रहे हैं? तो हम लोग, आप सोचिए कि जहाँ 1000 सेटें बना रही है एक दिन में, लाखों सेट, वहाँ आपकी 2-4 बनेंगी, तो वो उससे मतलब कॉम्पिटिशन या प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती है। और ज्यादा आप समझते हैं कि जो भी मशीनों से बनाई जाती है सस्ती भी पड़ती है, क्या होता है, सस्ता भी पड़ता है इनके लिए। एक क्वेश्चन है, ना अभी देखते रहे आखिरी। अब बात करते हैं हम लोग वैश्वीकरण आखिर है क्या, जिसकी घंटा भर से हम लोग व्याख्या कर रहे हैं, ये है वो है वे है, तो वैश्वीकरण आखिर क्या है? विगत 2-3 दशकों से अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियां विश्व में उन स्थानों की तलाश कर रही हैं जो उनके उत्पादन के लिए सस्ते हों। इन देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हो रही है, साथ ही विभिन्न देशों के बीच विदेश व्यापार में भी तीव्र वृद्धि हो रही है। विदेश व्यापार का एक बड़ा भाग बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा नियंत्रित है, जैसे भारत में फोर्ड मोटर्स का कार संयंत्र केवल भारत की कारों का निर्माण नहीं कर रहा था, बल्कि वह अन्य विकासशील देशों को कारें और विश्वभर में अपने कारखानों के लिए कारपुर्जों का भी निर्यात करता है। इसी प्रकार अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियों की के क्रियाकलाप में वस्तुओं और सेवाओं पर का बड़े पैमाने पर व्यापार शामिल होता है। वैश्वीकरण में मजा है, ध्यान रहे कि आप हमारी दुनिया से खेल रहे हैं, किसी दिन आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। एक बात और आपको यहाँ बता दूं मैं कि क्या होता है कि जो आपकी बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं, एक समय आपने सुना होगा कि चाइना और अमेरिका बहुत अच्छे मित्र हुआ करते थे, और आज जो चाइना को ऊंचाइयां मिली हैं तो उसमें काफी हद तक योगदान अमेरिका का भी रहा है, क्योंकि अमेरिका हर बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या देखती है, उससे सस्ता श्रम हो। और आप जानते हैं जहां जनसंख्या अधिक होगी वहां श्रम हमेशा सस्ता दिखाई देगा आपको, इसलिए देगा क्योंकि काम ही नहीं मिलेगा जनता को, तो जनता फ्री में भी मतलब उसे पेट भरता जाए उसके लिए भी काम करने को तैयार होती है। आपके देश में देख लीजिए, आज आपके देश में मजदूर 100 रुपये दिन पर भी मिल जाता है, समझ रहे, तो इतना सस्ता है। आप 100 रुपये में आप समझिए क्या चलता होगा, एक आदमी का खाना भी अच्छे से नहीं हो सकता, फिर भी आप देख सकते हैं 2-3 हज़ार रुपये में आपको नौकर मिल जाता है। तो यही हुआ कि चाइना जनसंख्या में पहले नंबर पर अभी भी है, तो अमेरिका ने सबसे ज्यादा निवेश वहीं किया, जितनी भी राष्ट्रीय या बहुराष्ट्रीय कंपनी थी वहीं गई उसकी चाइनीज में, उसके बाद चाइना उभरता गया एक तरह से, और चाइना ने अपनी मतलब बहुत काफी हद तक सुधार भी किए। चाइना है कंपनियों के अनुकूल अपने यहाँ की परिस्थिति भी अनुकूल बनाई उसे, मतलब परिस्थितियों को इस तरह से सुधारा कि कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी आए तो उसके देश में कुछ सालों तक रुक सके, समझ रहे हैं? तभी आज आप देख रहे हैं कि अमेरिका से भी आगे निकलने की कोशिश कर रहा है चाइना। अब दोनों देशों में आपका द्वितीय युद्ध की स्थिति बनती जा रही है। अधिक विदेश व्यापार और अधिक विदेशी निवेश के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के बाजारों एवं उत्पादनों में एकीकरण हो रहा है। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही, विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं और निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है। विगत कुछ दशकों की तुलना में विश्व के अधिकांश भाग एक दूसरे के अपेक्षाकृत अधिक संपर्क में आए। वस्तुओं सेवाओं निवेश और प्रौद्योगिकी के अतिरिक्त विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का एक और माध्यम हो सकता है। यह माध्यम है कि विभिन्न देशों के बीच लोगों का आवागमन, फिर लोग बेहतर आय, बेहतर रोजगार और शिक्षा की तलाश में एक देश से दूसरे देश में आवागमन करते हैं। किंतु विगत कुछ दशकों में अनेक प्रतिबंधों के कारण विभिन्न देशों के बीच लोगों के आवागमन में अधिक वृद्धि भी नहीं हुई है। आप सोचिए कि एक तरह से वैश्वीकरण शब्द आए तो आप ये सोच लीजिए कि एक दूसरे से यानी कि विश्व के सभी लोगों पर हमारी पहुंच होना, सभी संसाधनों पर, सभी वस्तुओं पर पहुंच होना आपका वैश्वीकरण ही है एक तरह से।
कि आज का आपका मन करे कि आप अमेरिका जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, ठीक है, आप पर कोई पाबंदी नहीं लगी हुई है। और वैश्वीकरण का एक सबसे बड़ा नुकसान अभी हाल में ही आपको देखने को मिला है, कौन सा? कोरोना वायरस। आप सोचिए, वैश्वीकरण का सबसे नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है। अगर एक देश दूसरे देश से ना जुड़ा होता, आयात निर्यात ना हुआ होता, एक देश के लोग दूसरे देश ना जाया करते होते, तो आप सोचिए आज ये पूरी दुनिया को अपने चपेट में ना लेता कभी कोरोना वायरस। क्योंकि आपने देखा है, चाइना से अन्य देशों में पहुंचा, अन्य देशों से हमारे देश में पहुंचा, इस तरह से पूरे देश, सभी देश इससे प्रभावित हो चुके हैं। वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारकों की अगर हम बात करें तो प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति वह मुख्य कारक है जिसने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित किया है। जैसे विगत 50 वर्षों में परिवहन प्रौद्योगिकी में बहुत उन्नति हुई है, इसने लंबी दूरियों तक वस्तुओं की तीव्रतर आपूर्ति को कम लागत पर संभव भी किया है। वस्तुओं के परिवहन के लिए कंटेनर, एक समय हुआ करता था कि आप लोग भैंसा गाड़ी देखते थे, ठीक है, आज आप देख रहे होंगे कि बड़ी सस्ती सामानों को आप एक देश से दूसरे देश निर्यात भी कर सकते हैं। वस्तुओं को कंटेनरों में रखा जाता है जिससे इन्हें जहाजों, रेलों, वायुयानों या फिर ट्रकों पर बिना क्षति के लादा जा सकता है। कंटेनर से ढुलाई लागत में भारी बचत हुई है, माल को बाजारों तक पहुंचाने में भी गति में तेज वृद्धि हुई। इसी प्रकार वायु यातायात की लागत में गिरावट आई है और परिणाम स्वरूप वायु मार्ग से अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में वस्तुओं का परिवहन भी संभव हुआ है। इससे भी अधिक उल्लेखनीय है कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का विकास। वर्तमान समय में दूर संचार, कंप्यूटर, इंटरनेट के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी द्रुत गति से परिवर्तित हो रही है। दूर संचार सुविधाओं, टेलीग्राफ हो गया, टेलीफोन, मोबाइल फोन, फैक्स का विश्व भर में एक दूसरे से से संपर्क करने, सूचनाओं को तत्काल प्राप्त करने और दूरवर्ती क्षेत्रों से संवाद करने में प्रयोग किया जाता है। ये सुविधाएं संचार उपकरण द्वारा सुगम होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रवेश हो गया है, आपने इंटरनेट के चमत्कारिक संसार में भी प्रवेश किया है जहाँ जो कुछ भी आपको जानना चाहते हैं लगभग उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और सूचनाओं को आपस में बांट सकते हैं। इंटरनेट से हम तत्काल इलेक्ट्रॉनिक डाक, ईमेल भेज सकते हैं और अत्यंत कम मूल्य पर विश्व भर में बात वॉइस मेल भी कर सकते हैं। एक समय आप सोचा करिए कि एक समय हुआ करता होगा कि अगर आपको किसी देश से टेक्नोलॉजी चाहिए, किसी देश से आपको अगर कोई मदद मांगना है या आपको किस तरह की सलाह लेना है तो आप क्या करते होंगे, एक पत्र लिखते होंगे और क्या करते होंगे कि उसे पोस्ट ऑफिस में डालते होंगे, इस तरह से वो जाता होगा। या फिर एक शहर से दूसरे शहर का अपने ही देश में ले लीजिए, तो आपको दिल्ली से बेंगलोर भेजना है या कर्नाटक भेजना है या तमिलनाडु कोई पत्र लिखना है, वहां किसी से बात करनी है, किसी से आपको किस तरह की सलाह लेनी है, तो आप सोचिए 5 दिन जाने में लग रहा है, 5 दिन आने में लग रहा है, उसके बाद क्या होता होगा, फिर वो आपको सलाह दे रहे तो उसमें भी 5 दिन लग रहा होगा। और आज आप क्या करते हैं कि या तो व्हाट्सएप कॉल, वीडियो कॉलिंग या वॉइस कॉल के द्वारा 2 मिनट में आप काम खत्म कर देते हैं। ये भी एक तरह का वैश्वीकरण ही है, ठीक है, आसानी से पहुंच। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, संक्षेप में आईटी ने विभिन्न देशों के बीच सेवाओं के उत्पादन में के प्रसार में मुख्य भूमिका भी निभाई है। वैश्वीकरण में संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग की अगर हम बात करें तो लंदन के पाठकों के लिए प्रकाशित एक समाचार पत्रिका की डिजाइनिंग और छपाई दिल्ली में की जानी है। पत्रिका का पाठ विषय इंटरनेट के द्वारा दिल्ली कार्यालय को भेज दिया जाता है। दिल्ली कार्यालय में डिजाइनर दूर संचार सुविधाओं का उपयोग करके लंदन कार्यालय से पत्रिका की डिजाइन के बारे में निर्देश प्राप्त करते हैं। डिजाइन तैयार करने का काम कंप्यूटर पर किया जाता है। छपाई के बाद पत्रिकाओं को वायु मार्ग से लंदन भेजा जाता है। यहाँ तक कि डिजाइन और छपाई के पैसे का भुगतान इंटरनेट ई बैंकिंग के द्वारा लंदन के एक बैंक से दिल्ली के एक बैंक को तत्काल कर दिया जाता है। आज आप देख रहे हैं कई तरह की सुविधाएं कि आपका बच्चा अगर कहीं दूसरे शहर में पढ़ रहा है तो एक समय आप सोचिए कि अगर या तो आपको जाना पड़ता होगा या पोस्ट ऑफिस के द्वारा भेजना होता तब होगा पैसा, लेकिन आप डेबिट कार्ड देख लीजिए, नेट बैंकिंग देख लीजिए, ऐसी ऐसी सुविधाएं हो चुकी हैं कि आपको मतलब आसानी से पहुंच उन तक बना लिए। एक बहुत अच्छी पत्रिका लग रही है लेकिन मेरी पाठ पुस्तक की छपाई ऐसी क्यों नहीं होती, मैं अपनी पुस्तक में बड़ी मुश्किल से शब्दों को पढ़ सकती हूँ। नहीं, मेरे बच्चे, ऐसा छपाई मशीन आम भारतीयों के लिए नहीं है। अब आपका विदेश व्यापार और विदेशी निवेश का उदारीकरण,
हम भारत में चीनी खिलौने के आयात वाले उदाहरण पर वापस लौटते हैं। मान लीजिए कि भारत सरकार खिलौना के आयात पर कर लगाती है, यानी कि टैक्स लगाती है, तब क्या होगा? इसका अर्थ है कि जो खिलौनों का आयात करना चाहते हैं उन्हें इन पर कर देना होगा। कर के कारण खरीदारों को आयातित खिलौनों की अधिक कीमत चुकानी होगी। चीन के खिलौने अब भारत के बाजारों में इतने सस्ते नहीं रह जाएंगे और चीन से उसका आयात स्वतः खत्म हो जाएगा। भारत के खिलौने निर्माता अधिक समृद्ध हो जाएंगे। इस स्थिति को हम तब देखते हैं जब हमारे यहाँ का जो भी स्थानीय काम धंधा होता है या उद्योग धंधे होते हैं, तो जब उन्हें आगे बढ़ाना होता है, उन्हें यानी कि उन्हें खत्म होने से बचाना होता है। आप सोचिए, अगर आपके देश में चीनी खिलौने आयात हो रहे हैं, तो जो हमारे यहाँ के जो बनाने वाली कंपनियां होंगी, जो उद्योग होंगे, वो इतने सस्ते नहीं बेच पाएंगे जितनी कंपनी चाइनीज सामान बिक रहे होंगे खिलौने। तो ये क्या करेंगे, सरकार क्या करेगी इन्हें बचाने के लिए? जो चीनी आयात है, यानी कि चीन से जो आयात कर रहे हैं हम लोग खिलौने, इस पर एक टैक्स लगा देंगी। टैक्स लगा देंगी, मान लीजिए 10 रुपये का खिलौना मिल रहा है आपको वहां से, ठीक है, और आपके बाजार में 12 रुपये का ये बिक रहा है, और आपके यहाँ जो खिलौना बन रहा है उसकी लागत ही 15 रुपये आ रही है। तो ऐसा तो है नहीं कि वो 12 रुपये में बेच दे, नहीं, क्योंकि उन्हें घाटा में कोई नहीं बेचना चाहता है। तो सरकार क्या करेगी उसे, कि उस पर 10 रुपये टैक्स लगा देगी। एक खिलौने की बात कर रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा उसका, 22 रुपये प्राइस हो जाएगा। और जो हमारे भारत की कंपनियां बना रही हैं उसे 15 रुपये लग रहा है, उसमें बनाने में खर्च आ रहा है, और वो 5-7 रुपये लगा के 22 रुपये का उसका भी खिलौना हो जाएगा, यानी कि उसे 7 रुपये प्रॉफिट हो रहा है। तब दोनों कंपनियां प्रतिस्पर्धा करने में भी सहूलियत होगी भारतीय कंपनियों को। तो यही किया जाता है। अभी आप देखते हैं कई राज्य देश क्या करते हैं कि आयात पर कर लगा देते हैं, ड्यूटी लगा देते हैं, टैक्स लगा देते हैं, तो उनसे आयात होने वाला जो भी सामान होता है वो महंगा हो जाता है, और हमारे देश के जो भी खरीदने वाले होते हैं वो हमारे भारतीय सामानों को खरीदने लगते हैं। क्योंकि आप जानते हैं, जब हमारे भारतीय सामान सस्ते होंगे आने वाले आयात होने वाले सामानों से, तो लोग स्वाभाविक सी बात है कि सस्ते सामान खरीदना पसंद करेंगे। आयात पर कर व्यापार अवरोधक का एक उदाहरण है। इसे अवरोधक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह कुछ प्रतिबंध लगाता है। सरकारें व्यापार अवरोधक का प्रयोग विदेश व्यापार में वृद्धि या कटौती नियमित करने और देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित होना चाहिए यह निर्णय करने के लिए कर सकती हैं। आप सोचिए कि अभी आपके देश में 70% 75% मोबाइल चीनी मोबाइल कंपनियों का दबा दबा है आपके बाजार पर, तो भारत क्या करे कि इन चीनी जो मोबाइल कंपनियां हैं इनसे आयात होने वाले जो भी मोबाइल हैं उन पर टैक्स लगा दी, एक बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में वसूलने लगे। तो क्या होगा, जो आयात हो रहे होंगे ये फोन आपके महंगे हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे, तो आपके भारतीय बाजारों में लोग इन्हें खरीदने से ज्यादा सस्ते जो फोन मिल रहे होंगे उन्हें खरीदेगा। पर एक तरह से ये व्यापार को रोक देना जैसा होता है। क्या होता है कि अब आप सोचिए, जब बिक ही नहीं रहा हो सामान, तो आयात करने का मतलब क्या होता है, निर्यात करने का मतलब क्या होता है? तो इसीलिए कम करने के लिए, आयात को कम करने के लिए कंपनियां ऐसा करती हैं, या भारतीय सरकार या कोई भी सरकार इस तरह के कदम उठाती है। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगा रखा था। देश के उत्पादकों को एक विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण प्रदान करने के लिए यह अनिवार्य माना गया। 1950 और 1960 के दशक में उद्योगों का उदय हो रहा था। इस अवस्था में आयात से प्रतिस्पर्धा इन उद्योगों को बढ़ने नहीं देती, इसलिए भारत ने केवल अनिवार्य चीजें जैसे मशीनरी, उर्वरक और पेट्रोलियम के आयात को ही अनुमति दी। ध्यान दीजिए कि सभी विकसित देशों ने विकास के प्रारंभिक चरणों में घरेलू उत्पादकों को विभिन्न तरीकों से संरक्षण दिया है। आप ही सोचिए, आपके यहाँ अगर कोई मोटरसाइकिल बन रही है, ठीक है, आपके यहाँ 20 हजार रुपये बनाने में खर्च आ रहा है उससे, ठीक, और वो कम से कम 25 हजार की तो बेचेगा, 5 हजार तो फायदा उठाएगी जो भी कंपनी बनाएगी। लेकिन क्या हुआ, होता था कि जब हम आजाद हो रहे थे तो हमारे पास उद्योग धंधे हमारे ओभर रहे थे, और बाकी आप देश समझ रहे हैं कि विकसित देश हैं और काफी अच्छी स्थिति में पहुंच चुके थे, तो ये बड़ा सामान बड़ा सस्ता दिया करते थे। इसीलिए सरकार ने क्या किया कि आयात जो जरूरत थी उसे ही आयात कर रहे थे, बाकी आयातों को पूरी तरह से प्रतिबंध कर रखा था। भारत में करीब आपका सन 1991 में प्रारंभ में नीतियों में कुछ दूरगामी परिवर्तन भी किए गए।
और सरकार ने यह निश्चित किया कि भारतीय उत्पादों के लिए विश्व के उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा करने का समय आ गया है। यह महसूस किया गया कि प्रतिस्पर्धा से देश में उत्पादकों की प्रदर्शन में सुधार हुआ, क्योंकि उन्हें अपनी गुणवत्ता में सुधार करना होगा। इस निर्णय का प्रभावकारी अंतरराष्ट्रीय संगठनों से समर्थन किया। आपने सुना होगा कि भारत वैश्वीकरण से 1991 में जाकर जुड़ा, एलपीजी मॉडल, उदारीकरण, आपने सुना होगा, समझ रहे हैं? ये उसी समय की बात है जब आपके वित्त मंत्री कौन थे, मनमोहन साहब, उन्हीं के समय ये घटनाएं देखने को मिली। अतः विदेश व्यापार और विदेशी निवेश पर से अवरोधों को काफी हद तक हटा दिया गया। इसका अर्थ है कि वस्तुओं का आयात और निर्यात सुगमता से किया जा सकता था और विदेशी कंपनियां अपने यहाँ अपने कार्यालय और कारखाने भी स्थापित कर सकती थी। यानी कि भारत की बात की जा रही है इसमें। तो याद रखिए, जब आपको मालूम है कि जब कोई कंपनी आ जाए और प्रतिस्पर्धा में मतलब आपके सामने खड़ी हो जाए, तो आपको बेहतर क्वालिटी देनी पड़ती है, सस्ता भी रखना पड़ता है। वही हाल है कि आप सोचिए कि आपका परीक्षा सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, आप ही परीक्षा देने वाले हैं, तो आपका कॉम्पिटिशन किसी से ना हो, एक केवल आप हो, तो आप जो भी चाहे, आप पढ़े तो भी सिलेक्शन हो जाएगा, ना पढ़े तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जब दिक्कत तो तब आती है ना जब कोई आपके बगल में आ जा सकता है, तब उससे आपको कंपटीशन यानी कि प्रतिस्पर्धा करनी होती है, तब आप एक घंटा और मन लगा के पढ़ेंगे और ज्यादा मेहनत करेंगे, तो यही देखा जाता है। सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया उदारीकरण से जानी जाती है। व्यापार के उदारीकरण से व्यवसायियों को मुक्त रूप से निर्णय लेने की अनुमति मिली, वे क्या आयात या फिर निर्यात करना चाहते हैं। सरकार पहले की तुलना में कम नियंत्रण करती, इसलिए उसे अधिक उदार कहा जाता है। यानी कि कहने का मतलब है कि अब व्यापारियों पर छोड़ दिया गया किस तरह से आयात करते हैं, किस तरह से निर्यात करते हैं। एक संगठन आपका विश्व व्यापार संगठन भी आप लोग अक्सर सुनते रहते हैं। अभी आप लोगों ने चाइनीज ऐप्स को बैन किया, तो उस पर भी आपने सुना होगा कि चाइना WTO में जा सकता है, विश्व व्यापार संगठन में जा सकता है। हमने देखा कि कुछ बहुत प्रभावशाली अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने भारत में विदेश व्यापार और विदेशी निवेश के उदारीकरण का समर्थन किया। इन संगठनों का मानना है कि विदेश व्यापार और विदेशी निवेश पर सभी अवरोधक हानिकारक हैं। कोई अवरोधक नहीं होना चाहिए, देशों के बीच मुक्त व्यापार होना चाहिए, विश्व के सभी देशों को अपनी नीतियां उदार बनानी चाहिए। आप सोचिए, अगर हम लोग पूरी तरह से भारत के बाजार को खोल दें सभी देशों की कंपनियों के लिए, तो हमारे यहाँ की जो स्थानीय कंपनियां हैं वो पूरी तरह से चौपट हो जाएंगी। इसलिए हम क्या करते थे, कई देशों पर आयात हो रहा है तो उस पर टैक्स लगा देते थे। और कई देश, मतलब आप सोचिए, अमेरिका क्या चाहेगा कि हमारे मुक्त व्यापार हो, यानी कि कोई रोक ना हो भारत में जाने के लिए, ना उसके सामानों पर कोई टैक्स लगाया जाए। विश्व व्यापार संगठन WTO एक ऐसा संगठन है जिसका ध्येय अंतरराष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। विकसित देशों की पहल पर शुरू किया गया विश्व व्यापार संगठन अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है। यह देखता है कि इन नियमों का पालन हो। वर्तमान में विश्व के लगभग आपके 164 देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य। एक और बात बता दूं, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी अगर हम लोग हेडक्वार्टर की बात करें तो आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। ये आपका 1 जनवरी 1995 को आया अस्तित्व में। याद रखिए, इसकी स्थापना आपकी 1 जनवरी 1995 को हुई, ठीक है। 164 इसमें अभी वर्तमान में मेंबर है और मुख्यालय इसका हेडक्वार्टर आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में आपको देखने को मिलेगा। यद्यपि विश्व व्यापार संगठन सभी देशों को मुक्त व्यापार की सुविधा देता है, परंतु व्यापार में यह देखा गया है कि विकसित देशों ने अनुचित ढंग से व्यापार अवरोधकों को बरकरार रखा। दूसरी ओर विश्व व्यापार संगठन के नियमों ने विकासशील देशों के व्यापार अवरोधों को हटाने के लिए विवश किया है। इसका एक उदाहरण कृषि उत्पादों के व्यापार पर वर्तमान बहस है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी किसी देश के वस्तुओं पर आयात कर लगाया जाता है एक बड़ा, तो उस समय वो क्या करता है, वो WTO में चला जाता है। तो वहाँ जो भी नियम प्रक्रिया होती है चलते हैं और उसी हिसाब से फिर फैसला आते हैं। व्यापार व्यवहारों पर वाद विवाद, आपने अध्याय 2 में देखा है कि भारत में अधिकांश रोजगार सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP का महत्वपूर्ण भाग कृषि क्षेत्र पर प्रदान करता है, यानी कि कृषि पर निर्भर करती है हमारी अधिकांश जनता हमारे देश की। इसकी तुलना में विकसित देशों जैसे अमेरिका के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा मात्र 1% है और कुल रोजगार में केवल 0.5% है।
फिर भी अमेरिका के कृषि क्षेत्र में कार्यरत इतने कम प्रतिशत लोग भी अमेरिकी सरकार से उत्पादन दूसरे देशों को निर्यात करने के लिए बहुत अधिक धन राशि प्राप्त करते हैं। इस भारी धन राशि के कारण अमेरिकी किसान अपनी कृषि उत्पादों को असाधारण रूप से कम कीमत पर बेच सकते हैं। अधिशेष कृषि उत्पादों को दूसरे देशों के बाजारों में कम कीमत पर बेचा जाता है, जो नए देश इन देशों के कृषकों को बुरी तरह प्रभावित करते हैं। यहाँ कहने का सीधा सा मतलब यह है कि गेहूं किसान उगा रहा है, गेहूं उगा रहा है किसान। आप सोचिए, हमारे देश में अगर उगा रहा है तो उसे खर्च ही इतना पड़ जाता है कि वो सस्ता नहीं बेच सकता है, वो एक निर्धारित कीमत पर ही बेचेगा और ना तो उसे सरकार की तरफ से कोई मदद दी जा रही किसान को। लेकिन अमेरिका में क्या देखने को मिलता है कि सरकार उसे काफी किसान को सहायता देगा। और आप सोचिए, एक तरह से अगर सरकार किसान को सहायता देती है तो वो किसान तो जितने मतलब उसका थोड़ा सा लाभ हो जाए उतना पर भी बेच देगा। और हमारे देश में किसानों को कोई मतलब आपका एक तरह से सहायता नहीं दी जाएगी, तो यही देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि विकासशील देश विकसित देशों की सरकारों से सवाल कर रहे हैं कि हमने विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुसार व्यापार अवरोधकों को कम कर दिया है, लेकिन आप लोगों ने विश्व व्यापार संगठन के नियमों को नजरअंदाज कर दिया है। अपने किसानों को भारी धन राशि देना बरकरार रखा, आप लोगों ने हमारी सरकारों को अपनी किसानों की सहायता बंद करने को कहा, परंतु आप स्वयं यही काम कर रहे हैं। क्या यह मुक्त व्यापार और न्याय संगत व्यापार है? एक बात आप लोग सोचिए, इसे आप लोग इस तरह से जोड़कर देख सकते हैं कि एक आपके आप VIP स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपकी पारिवारिक स्थिति यानी कि आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी है कि आप VIP स्कूल में पढ़ रहे हैं जहां हर तरह की सुविधाएं हैं, और एक आप ग्रामीण क्षेत्र में किसी बस्ती का छात्र को ले लीजिए जिसे सरकारी स्कूल में पढ़ता है, क्या आपसे प्रतिस्पर्धा कर सकता है? बिल्कुल नहीं। आपसे प्रतिस्पर्धा तभी कर सकता है या तो आप सरकारी स्कूल में पहुंच जाइए या फिर उसे वही सुविधाएं उपलब्ध कराइए जो आपको सुविधाएं मिल रही हैं। और यही सबसे मेन पॉइंट रहता है आरक्षण का मामले में, कि जिस दिन उन ग्रामीण क्षेत्र की बस्तियों वाले को आप जैसी शिक्षा व्यवस्था मिलने लगेगी उस दिन आप सोचेंगे कि आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में एक आदर्श कपास क्षेत्र जिसमें हजारों एकड़ भूमि है जिसका स्वामित्व एक बड़ी कारपोरेट कंपनी के पास होता है। आप सोचिए, यहाँ कंपनी सहायता करती है खेती के लिए और हमारे यहाँ के किसानों की आज स्थिति देखिए, आए दिनों खबर मिलती रहती है कि आज इतने किसानों से सुसाइड किया हुआ है, तो ये हाल बनी हुई है, ना तो सरकार अच्छी तरह से कोई मदद करती है। बात करते हैं भारत में वैश्वीकरण के प्रभाव की। अगर बात करें हम लोग तो विगत 20 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण ने एक लंबी दूरी तय की है। इसका लोगों के जीवन में पर क्या प्रभाव पड़ा है, हम कुछ प्रमाण देखते हैं। वैश्वीकरण और उत्पादकों स्थानीय और विदेशी दोनों के बीच बेहतर प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ताओं विशेषकर शहरी क्षेत्रों में धनी वर्ग के उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। इन उपभोक्ताओं के समक्ष पहले से अधिक विकल्प हैं और वे अब अनेक उत्पादों की उत्कृष्ट गुणवत्ता और कम कीमत से लाभान्वित हो रहे हैं। परिणामतः ये लोग पहले की तुलना में आज अपेक्षाकृत उच्चतर जीवन स्तर का आनंद भी ले रहे हैं। उत्पादकों और सेवकों पर वैश्वीकरण का एक समान प्रभाव नहीं पड़ा है। आप जानते हैं कि आप सोचिए कि आपके यहाँ जो खासी जिनकी इनकम है, आर्थिक स्थिति ठीक है, उनके पास आप सोचिए कि पहले एक ही सामान होने कम ही विकल्प उनके सामने थे, लेकिन अब विकल्प कई तरह के हैं, भले ही महंगे हैं लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति तो ठीक है ना, तो वो तो खरीद सकते हैं, आनंद ले सकते हैं उनका, तो उन पर एक लाभ उन्हें हुआ है। पहला, विगत वर्ष 20 वर्षों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत में अपने निवेश में वृद्धि की है, जिसका अर्थ है कि भारत में निवेश करना उसके लिए लाभप्रद हो रहा है, यानी कि लाभ हो रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने शहरी इलाकों के दोहों जैसे सेलफोन, मोटर गाड़ियों, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों, ठंडे पेय पदार्थों, जंक खाद्य पदार्थों एवं बैंकिंग जैसी सेवाओं के निवेश में रुचि भी दिखाई है। इन उत्पादों के अधिकांश खरीदार संपन्न वर्ग के लोग हैं, यानी कि अच्छी स्थिति है वही लोग हैं। इन उद्योगों और सेवाओं में नए रोजगार उत्पन्न हुए हैं, साथ ही इन उद्योगों को कच्चे माल इत्यादि की आपूर्ति करने वाली स्थानीय कंपनियां समृद्ध हुई हैं, यानी कि जो भी स्थानीय कंपनियां इन्हें कच्चा माल उपलब्ध कराती हैं वो भी इससे लाभान्वित हुई है। अंततः वैश्विक जीवन शैली जिसका आपने सदैव सपना देखा देख रहे हैं। विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए उठाए गए कदम की अगर बात करें तो हाल के वर्षों में भारत की केंद्र और राज्य सरकार भारत में निवेश हेतु विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए विशेष कदम उठा रही है। औद्योगिक क्षेत्र जिन्हें विशेष आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है,
की स्थापना की जा रही है और विशेष आर्थिक क्षेत्रों में विश्व स्तरीय सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, सड़क, परिवहन, भंडारण, मनोरंजन और शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। विशेष आर्थिक क्षेत्र में उत्पादन इकाइयां स्थापित करने वाली कंपनियों को आरंभिक 5 वर्षों तक कोई कर नहीं देना होगा। और एक सोचिए, आप किसी भी कंपनी को स्थापित करने की, यही तो मूल स्तंभ है, बिजली हो, फिर पानी हो, सड़क हो, परिवहन हो, भंडारण हो, शैक्षिक सुविधा हो और श्रम व्यवस्था हो, यही तो उनके आधार होते हैं। विदेशी निवेश आकर्षित करने हेतु सरकार ने श्रम कानूनों में लचीलापन लाने की अनुमति भी दी है। आपने अध्याय 2 में देखा है कि संगठित क्षेत्र की कंपनियां को कुछ नियमों का अनुपालन करना पड़ता है, जिसका उद्देश्य श्रमिक अधिकारों का संरक्षण करना। हाल ही के वर्षों में सरकार ने कंपनियों को अनेक नियमों से छूट लेने की अनुमति भी दी है। अब नियमित आधार पर श्रमिकों को रोजगार देने के बजाय कंपनियों में जब काम का अधिक दबाव होता है तो लोचदार ढंग से छोटी अवधि के लिए श्रमिकों की कार्य पर रखी जाती है। कंपनी की श्रम लागत में कटौती करने के लिए ऐसा किया जाता है, फिर भी विदेशी कंपनियां अभी भी संतुष्ट नहीं, श्रम कानूनों में और अधिक लचीलेपन की मांग कर रही हैं। आप लोगों ने देखा है, लॉकडाउन के बाद से कई राज्यों ने अपने श्रम कानूनों में भी बदलाव की बात की है। कई ने आपने देखा है कि जो 8 घंटे की ड्यूटी हुआ करती थी उसे 12 घंटे में भी बदल दिया है, और आपने कई तरह के कानूनों में छूट भी दे दी है, समझ रहे हैं। इसीलिए कि आपने सुना होगा कि चाइना से आपकी जो भी बाहरी कंपनियां थी वो निकल रही थी, सोचा कि भारत में आएंगी, लेकिन आपने देखा भारत में ना आके वो अन्य देशों में ज्यादा चली गई हैं। वियतनाम में कुछ ज्यादा ही कंपनियां गई हुई हैं, और अभी आप सोचिए कंपनियां वहां भी जा रही हैं जहां कोरोना वायरस कंट्रोल होते दिख रहा है, ठीक है। और भारत की स्थिति इस मामले में बहुत बिगड़ती जा रही है, तो जब तक ठीक नहीं हो जाता है तब तक मुझे नहीं लगता है कोई कंपनी हमारे यहाँ निवेश करने की चाहत रखेगी। दूसरा, अनेक शीर्ष भारतीय कंपनियां बड़ी हुई प्रतिस्पर्धा से लाभान्वित हुई है। इन कंपनियों ने नवीनतम प्रौद्योगिकी और उत्पादन प्रणाली में निवेश किया है और अपने उत्पादन मानकों को ऊंचा भी उठाया है। कुछ ने विदेशी कंपनियों के साथ सफलतापूर्वक सहयोग कर लाभ अर्जित भी किया है। अब सोचिए, जहां हमारे मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं जो भी हमारे यहाँ की कंपनियां होती थी वो पारंपरिक तकनीकों पर काम करती थी, लेकिन जैसे ही वैश्वीकरण का प्रभाव देखने को मिला तो हमारी कंपनियों की बाहरी मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी या फिर अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों से लेन देन हुआ, उसके जरिए वो भी तकनीकी पूर्ण हो चुकी है। इससे आगे भी वैश्वीकरण ने कुछ बड़े भारतीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरने योग बनाया। टाटा मोटर्स मोटर गाड़ियां, इंफोसिस आईटी, रैनबैक्सी दवाइयां, एशियन पेमेंट, सुंदरम फास्टनर्स, नट और बोल्ट, कुछ ऐसी भारतीय कंपनियां हैं जो विश्व स्तर पर अपनी क्रियाकलापों का प्रसार कर रही हैं। वैश्वीकरण ने सेवा प्रदाता कंपनियां विशेषकर सूचना और प्रौद्योगिकी वाली कंपनियों के लिए नए अवसर का सृजन भी किया है। भारतीय कंपनियों द्वारा लंदन स्थित कंपनी के लिए पत्रिका कपिकासन कॉल सेंटर इसके उदाहरण है। इसके अतिरिक्त आंकड़ा प्रविष्ट, डाटा एंट्री, लेखाकरण, प्रशासनिक कार्य, इंजीनियरिंग जैसी कई सेवाएं भारत जैसे देश में अब सस्ते में उपलब्ध हैं और विकसित देशों को निर्यात भी की जा रही है। अब बात करते हैं छोटे उत्पादक, प्रतिस्पर्धा करो या नष्ट हो जाओ। वैश्वीकरण से बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों और श्रमिकों के लिए बड़ी चुनौतियां खड़ी हैं। बढ़ती प्रतियोगिता, रवि को यह अपेक्षा नहीं थी कि उसे एक उद्योगपति के रूप में अपने जीवन की छोटी अवधि में ही संकट का सामना करना पड़ेगा। रवि ने 1992 में तमिलनाडु के एक औद्योगिक शहर होसूर में संधारित्रों के निर्माण करने वाली अपनी कंपनी शुरू करने के लिए बैंक से ऋण लिया। संधारित्रों का इस्तेमाल ट्यूबलाइटों, टेलीविजनों सहित अनेक घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में होता है। 3 वर्ष के भीतर वह अपने उत्पादन का विस्तार करने में सक्षम हो गया। उसकी कंपनी में 20 कर्मचारी काम करने लगे। अपनी कंपनी चलाने में उसका संघर्ष तब प्रारंभ हुआ जब सरकार ने सन 2001 में विश्व व्यापार संगठन की समझौते के अनुसार संधारित्रों के आयात पर से प्रतिबंध हटा दिया। उसने मुख्य ग्राहकों में टेलीविजन कंपनियां थीं जो टेलीविजन सेटों का निर्माण करने के लिए संधारित्रों सहित विभिन्न पुर्जों थोक में खरीदती और टेलीविजन सेटों का निर्माण करती, किंतु बहुराष्ट्रीय कंपनियों के ब्रांडों से प्रतिस्पर्धा ने भारतीय टेलीविजन कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए संयोजन कार्य करने के लिए विवश कर दिया। उनसे कुछ जब संधारित्र खरीदती थी तो वे इसका आयात करना पसंद करती थी, क्योंकि आयातित सामानों की कीमत रवि जैसे लोगों द्वारा निर्धारित कीमत से आधी होती थी। अब रवि वर्ष 2000 में निर्मित संधारित्रों से आधे से भी कम संधारित्रों का निर्माण करता है
उसके लिए केवल 7 श्रमिक काम कर रहे हैं। रवि अनेक दोस्तों में जो हैदराबाद और चेन्नई में भी व्यवसाय में थे, अपनी इकाइयां बंद कर दी। सीधा सा आप मतलब सोचिए कि एक आपके यहाँ की टीवी बनाने वाली कंपनी है, ठीक है, और एक चाइनीज कंपनी है। तो आप जानते हैं चाइनीज का सामान कितना सस्ता रहता है। आप सोचिए कि आपके यहाँ जो भी टीवी बनाने वाली कंपनी होगी या छोटा उद्योग होगा, उसे खर्च करने में भी, मतलब बनाने में भी, उसके पास एक तो सबसे बड़ी बात पूंजी नहीं है उतनी। पूंजी नहीं होगी तो वो जिस तरह से जुटाएगा उस पर, या तो ऋण लेगा किसी से, ऋण लेगा तो उस पर ब्याज देना होगा, और आप समझ सकते हैं किस तरह से वो व्यवस्था करता है। वो एक बहुत उसे महंगा पड़ता है जो भी प्रोडक्ट वो उत्पादन करता है। लेकिन चाइनीज कंपनियों में ज्यादा उत्पादन हो रहा है, बड़ा श्रम सस्ता है, बाहरी कंपनियां हैं अंतरराष्ट्रीय तो वहां सस्ती, तो वही टीवी हमारे यहाँ 5,000 रुपये की बन के तैयार होकर बिक रही हो। वहीं अगर भारत चाइनीज कंपनी यानी कि कोई अंतरराष्ट्रीय कंपनी चाइनीज में उत्पादन कर रही है और भारत में बेचती है 2,500 से 3,000 रुपये में टीवी, तो आप सोचिए हमारे भारतीय जो कंपनियां हैं टीवी की, एक प्रतिस्पर्धा यानी कि उनके साथ नहीं चल सकती है। लेकिन उन्हें समझ रहे घाटे में चली जाएंगी, बंद हो जाएंगी। यही देखा देखने को मिला छोटे उद्योगों में। बैटरी संधारित प्लास्टिक खिलौने, टायरों, डेयरी उत्पादों एवं खाद्य तेल के उद्योग कुछ ऐसे उदाहरण हैं जहां प्रतिस्पर्धा के कारण छोटे विनिर्माताओं पर कड़ी मार पड़ी। कई इकाइयां बंद हो गई जिसके चलते अनेक श्रमिक बेरोजगार भी हो गए। भारत में लघु उद्योगों में कृषि के बाद सबसे अधिक श्रमिक 2 करोड़ नियोजित हैं। एक बात और याद रखिए आप लोग, आप सोचिए आपके यहाँ जो भी अगर इस तरह के इन उद्योग धंधों पर चौपट होते हैं यानी कि पूरी तरह से बंद होते हैं, तो इन्हें इनके जरिए जिसे भी रोजगार मिल रहा था वो भी रोजगार चला जाता है। समझ रहे हैं, क्योंकि विदेशी जो भी कंपनियां हैं, जो भी हमारे यहाँ टीवी आ रही है, उन्हें क्योंकि वो हमारे देश में तो बन नहीं रही हो, हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है उन्हें बनाने में, तो समझ रहे हैं इसका भी काफी हद तक देखा गया है ये भी प्रभाव। इन्हें भी देखते रहिए। प्रतिस्पर्धा और अनिश्चित रोजगार, वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धा के दबाव ने श्रमिकों के जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण अधिकांश नियोक्ता इन दिनों श्रमिकों को रोजगार देने में लचीलापन पसंद करते हैं। इसका अर्थ है कि श्रमिकों का रोजगार अब सुनिश्चित नहीं है। अब हम देखते हैं कि भारत में वस्त्र निर्यात उद्योग प्रतिस्पर्धा के दबाव को कैसे सहन कर सकते हैं। आप सोचिए ये लोग हाथ से बना रहे हैं और बाहरी दुनिया में आप सोचिए कि मशीनों से बनाया जा रहा है, तो ये लोग एक दिन में कितने, बहुत से बहुत 2 तरह 2 बना लेंगे कपड़े। और बाहरी कंपनियों में आप लोग देखिए कि तकनीक का या मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है, तो एक दिन में वो हजारों कपड़े बना देती है। तो उनसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते हम लोग। या तो इसके लिए संरक्षण देने के लिए सरकार को इनकी मदद करनी चाहिए, या फिर बाहरी दुनिया से जो भी प्रोडक्ट आयात हो रहे हैं उन पर, उस सामानों पर कर लगा देना चाहिए ऊंचा। यही ऑप्शन रहता है, अगर कर लगाते हैं तो WTO चला जाता है वो देश। इसलिए ये भी सुविधा दे सकते हैं कि सरकार इनकी मदद करे। वस्त्र निर्यातक फैक्ट्री में महिला श्रमिक यद्यपि वैश्वीकरण ने महिलाओं को काम करने के लिए अवसर प्रदान किए हैं, परंतु रोजगार की स्थितियां यह प्रदर्शित करती हैं कि महिलाओं को लाभ में भागीदारी समुचित रूप से नहीं मिली है। अमेरिका और यूरोप में वस्त्र उद्योग की बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत निर्यातकों को वस्तुओं की आपूर्ति के लिए आर्डर देती है। विश्वव्यापी नेटवर्क से युक्त तो बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां लाभ को अधिकतम करने के लिए सबसे सस्ती वस्तुएं खोजती हैं। इन बड़े ऑर्डरों को प्राप्त करने के लिए भारतीय वस्त्र निर्यातक अपनी लागत कम करने की कड़ी कोशिश करती है। चूंकि कच्चे माल पर लागत में कटौती नहीं की जा सकती है, इसलिए नियोक्ता श्रम लागत में कटौती करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप देखते हैं कच्चा माल पर कोई किसी तरह से कटौती नहीं की जाती है। तो इसलिए क्या होता है कि श्रम मतलब मजदूरों के काम पर ही कटौती करते हैं, काम पर नहीं मतलब उनकी वेतन होती है उसी पर कटौती करते हैं। और एक तो हमारे यहाँ देश में इतनी जनसंख्या है कि आप अगर मतलब एक नौकरी है तो वहां भी 10-50 लोग जुट जाएंगे उसके लिए। तो आप सोचिए 10-50 जुट जाएंगे तो आप क्या कहेंगे, जो सबसे कम पैसे में काम करने के लिए तैयार होगा उसे हम रखेंगे, तो उनमें से एक ना एक मिल ही जाएगा आपको। समझ रहे, सबसे बुरी हालत आप समझ सकते हैं कि आज भी 100 से 150 रुपये में मजदूरी कर रहे हैं लोग, उनकी स्थिति आप सोचिए कितनी भयानक होती होगी। अगर आप एक शहर में रह रहे हैं तो 100 क्या आप 300 से 400 रुपये आपका डेली का खर्च आता है, ये स्थिति बनी हुई है। अभी भी आप देखते हैं 4 से 5 हजार रुपये में लड़के दुकान पर लगे रहते हैं, भयानक स्थिति है। जहां पहले कारखाने श्रमिकों को स्थायी आधार पर रोजगार देते थे, वहीं वे अब अस्थायी रोजगार देते हैं ताकि श्रमिकों को वर्ष भर वेतन नहीं देना पड़ता है। एक तरह से आप समझते हैं कि सरकारी
की तरह होता था पहले, कि स्थायी रख देते थे। तो आप समझिए कि अगर किसी व्यक्ति को आप महीने के लिए रखें स्थायी 1 साल के लिए, तो काम हो या ना हो आपको उसकी वेतन देनी होगी। लेकिन आप एक अस्थायी नौकर रखें कि अगर काम है जिस दिन उसी दिन का वेतन देना पड़ेगा, तो इससे यही आजकल ज्यादा लोग कर रहे हैं। ठीक है, श्रमिकों को बहुत लंबी कार्य घंटों तक काम करना पड़ता है। पिछले अध्याय में हमने देखा भी था कि किस तरह से मेहनत कराई जाती है श्रमिकों से। सुबह 7 साढ़े 7 बुला लेते हैं भजी, उस रात में 8 बजे भेजते हैं। अत्यधिक मांग की अवधि में नियमित रूप से रात में भी काम करना पड़ता है, मजदूरी काफी कम होती है। श्रमिक अपनी रोजी रोटी के लिए अतिरिक्त समय भी काम करने के लिए विवश हो जाते हैं। हालांकि वस्त्र निर्यातकों के प्रति प्रतिस्पर्धा से बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अधिक लाभ कमाने में मदद मिली है, परंतु वैश्वीकरण के कारण मिले लाभ में श्रमिकों को न्याय संगत हिस्सा नहीं दिया गया। और एक बात आप लोगों ने और सुनी होगी कि न्यूनतम वेतन निर्धारित किया गया है हमारे देश में, लेकिन आपने देखा है दिल्ली जैसे शहरों में भी अगर न्यूनतम वेतन लागू नहीं हो रहा है, तो बाकी देश के हिस्सों में आप देख सकते हैं कि क्या व्यवस्था होगी। समझ रहे हैं? तो ये कानून बना दिए जाते हैं, इन्हें लागू करना ना लागू होना बराबर है। कपड़ा श्रमिक 35 वर्षीय सुशीला ने दिल्ली में एक वस्त्र निर्यातक उद्योग में एक श्रमिक के रूप में कई वर्ष काम किया। जब वह एक स्थायी श्रमिक के रूप में नियुक्त थी, तो स्वास्थ्य बीमा, भविष्य निधि, अतिरिक्त समय में कार्य करने के लिए दुगनी मजदूरी की हकदार थी। जब 1990 के दशक के अंतिम वर्षों में सुशीला की फैक्ट्री बंद हो गई, तो 6 माह तक रोजगार की तलाश करने के बाद अंततः उसे अपने घर से 30 किलोमीटर दूर एक रोजगार मिला। कई वर्षों तक इस फैक्ट्री में काम करने के बावजूद वह एक अस्थायी श्रमिक है और पहले की तुलना में आधे से भी कम कमा रही है। वह सप्ताह के 7ों दिन सुबह 7:30 बजे यानी कि सुबह 7 बजे अपने घर से निकलती है और शाम 10 बजे वापस आती है। आप समझ सकते हैं कितनी भयानक स्थिति होगी इनकी। एक दिन काम नहीं करने का अर्थ है कि उस दिन की मजदूरी नहीं मिलना, उसे अब कोई अन्य लाभ भी नहीं मिलता है जो पहले मिलता था। उसके घर के समीप की फैक्ट्रियों को काफी अस्थिर ऑर्डर मिलते हैं, इसलिए वे कम वेतन भी देती हैं। यानी कि ये भी आपका एक तरह से गलत ही प्रभाव देखा गया है। उपयुक्त कार्य परिस्थितियां और श्रमिकों की कठिनाइयां भारत के अनेक औद्योगिक इकाइयों और सेवाओं में सामान्य बात हो गई है। आज अधिकांश श्रमिक असंगठित क्षेत्रों में नियोजित हैं। यही नहीं, संगठित क्षेत्र में क्रमशः कार्य परिस्थितियां असंगठित क्षेत्र के समान होती जा रही है। संगठित क्षेत्र के श्रमिक जैसे सुशीला को अब कोई संरक्षण और लाभ भी नहीं मिलता जिसको वह पहले उपभोग करती थी। अब बात करते हैं न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष। उपयुक्त प्रमाण यह संकेत करते हैं कि वैश्वीकरण सभी के लिए लाभप्रद नहीं है, यानी कि इससे वैश्वीकरण से सभी को बराबर लाभ नहीं मिला है। वही है कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, आपने देखा होगा, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें गलतियां भी होती हैं और अच्छाइयां भी होती हैं, तो इसमें भी आपको अच्छाइयां भी देखने यानी कि सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले और नकारात्मक भी परिणाम देखने को मिले। शैक्षिक, कुशल और संपन्न लोगों ने वैश्वीकरण से मिले नए अवसरों का सर्वोत्तम उपभोग किया है। दूसरी ओर अनेक लोगों को लाभ में हिस्सा नहीं मिला। चूंकि वैश्वीकरण अब एक सच्चाई है, तो वैश्वीकरण को अधिक न्याय संगत कैसे बनाया जा सकता है? न्याय संगत वैश्वीकरण सभी के लिए अवसर प्रदान करेगा और यह सुनिश्चित भी करेगा कि वैश्वीकरण के लाभों में सबकी बेहतर हिस्सेदारी हो। सरकार इसे संभव बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, इसलिए नीतियों को केवल धनी और प्रभावशाली लोगों को ही नहीं बल्कि देश के सभी लोगों के हितों का संरक्षण करना चाहिए। आपने सरकार द्वारा दिए जाने वाले कुछ उपायों के बारे में पढ़ा है, जैसे कि सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि श्रमिक कानूनों का उचित कार्यान्वयन हो और श्रमिकों को अपने अधिकार मिले, या छोटे उत्पादकों को कार्य निष्पादन में सुधार के लिए उस समय तक मदद कर सकती है जब तक कि वे प्रतिस्पर्धा के लिए सक्षम ना हो जाए। यदि जरूरी हुआ तो सरकार व्यापार और निवेश अवरोधकों का उपयोग कर सकती है, यह न्याय संगत नियमों के लिए विश्व व्यापार संगठन से समझौता भी कर सकती है। विश्व व्यापार संगठन में विकसित देशों के वर्चस्व के विरुद्ध समान हितों वाले विकासशील देशों को मिलकर लड़ना होगा। यानी कि कहने का सीधा सा मतलब है कि जो विकासशील देश हैं सबसे ज्यादा प्रभाव यहीं पर पड़ता है इसका नकारात्मक, तो इनको मिलकर काम करना होगा। विगत कुछ वर्षों में बड़े अभियानों और जन संगठनों के प्रतिनिधियों ने विश्व व्यापार संगठन कि व्यापार और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों को प्रभावित किया है। यह प्रदर्शित करता है कि जनता भी न्याय संगत वैश्वीकरण के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
इस तरह से आप देखते रहते हैं ना, यही बात की जा रही है। लास्ट में इसका संग्रह सारांश क्या निकलता है? इस अध्याय में हमने वैश्वीकरण की वर्तमान अवस्था का अध्ययन किया है। वैश्वीकरण विभिन्न देशों के बीच तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है। यह आधिकारिक विदेशी निवेश और विदेश व्यापार के द्वारा संभव हो रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका भी निभा रही हैं। अधिक से अधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियां विश्व के उन स्थानों की खोज कर रही हैं जो उनके उत्पादन के लिए ज्यादा सस्ते हों। परिणामतः उत्पादन कार्य जटिल ढंग से संगठित किया जा रहा है। इसे वैसे भी आप भी देखते हैं कि आप भी वही काम करना पसंद करते हैं जहां आपको बेहतर सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं। ठीक है, देशों के बीच उत्पादन को संगठित करने में प्रौद्योगिकी, विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी ने एक बड़ी भूमिका भी निभाई है। साथ ही व्यापार और निवेश के उदारीकरण ने व्यापार और निवेश अवरोधकों को हटाकर वैश्वीकरण को सुगम बनाया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व व्यापार संगठन ने विश्व और निवेश व्यापार और निवेश के उदारीकरण के लिए विकासशील देशों पर दबाव भी डाला है। जबकि वैश्वीकरण से धनी उपभोक्ता, कुशल शिक्षित और धनी उत्पादक ही लाभान्वित हुए। हमारे देश के में भी यही प्रक्रिया रही है। जो धनी व्यक्ति हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, जो शिक्षित हैं, उन्हें ही इससे लाभान्वित हुए। परंतु बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने अनेक छोटे उत्पादकों और श्रमिक को प्रभावित किया है। न्याय संगत वैश्वीकरण के सभी के लिए अवसर का सृजन करेगा, यह भी सुनिश्चित करेगा कि वैश्वीकरण के लाभों में सभी की बेहतर हिस्सेदारी हो सके। तो ये था आपका चौथा अध्याय, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। इससे संबंधित ये क्वेश्चंस दिए गए, इन्हें भी आप देखते रहिए, और पीडीएफ आपकी डाल दी गई थी टेलीग्राम पर, वहां से आप लोग डाउनलोड करके रख लीजिए और उससे भी पढ़ सकते हैं आप लोग 1 से 2 बार। अभी एक नया उपभोक्ता अधिकार कानून आया हुआ है आपका 2019 में, उस पर भी बात करेंगे। और 5वां जो अध्याय आपका होगा वो उपभोक्ता अधिकार से संबंधित है। तो देखेंगे आखिर हमारे जो भी उपभोक्ता यानी कि हम सभी लोग हैं, हम लोगों के अधिकार क्या हैं, उस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे।